44 रन, 4 ओवर का खेल खत्म हुआ, 44 बनाए अब तक का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे मेरे दोस्त रमेश भाई पटेल। हेलो, धन्यवाद जगदीश भाई, 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सरकेंस गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सुनील कालगुड़े। हेलो, वॉल्यूम प्लीज, चेक चेक। हेलो 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 हेलो, अगली गेंद। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को खेल दिया कवर बाउंड्री की तरफ, 1 रन पूरा किया, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, वहां पर नजर नहीं आ रहे थे फील्डर, 4 रन का इशारा का। स्कोर पहुंचा 48 रन। ब्लॉक होल में डाला था, वहीं पर दबा दिया, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकाली थी ये गेंद सुनील कालगुड़े ने, और इस बार एकदम बाहर निकाला, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, 1 रन के लिए भाग पड़े बारडोलिया, रन आउट होने का खतरा हो सकता था। जयंती भाई नारोला जैसे क्रिकेट रसिक यहां पर पधारे हैं, साथ में श्री दिनेश भाई नारोला मैच का आनंद लेते हुए। फुल टॉस गेंद थी, 1 रन के लिए भाग पड़े, इसी के साथ 50 रन पूरे, सरगेंस के 50 रन, 4.5 ओवर में, करंट रन रेट 10.34। सुमित खेल रहे 6 पर, और इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया, गेंद जा रहे पॉइंट बाउंड्री की तरफ, ओवर थ्रो हुआ था लेकिन बैकअप कर रहे थे वहां पर, लेकिन एक और रन से नहीं रोक पाए, 2 रन चुराए दोनों बैट्समैन ने, बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। पांच ओवर, 52 रन और 3 विकेट, यह है एसआरकेएंस का स्कोर। गौरव बारडोलिया
8 पर और सुमित पटेल 6 पर। गेंदबाजी करने के लिए सब कप्तान स्वयं निमेश पटेल, जिन्होंने आज शतक जड़ा था इस मैदान पर, 14 छक्के लगाए थे अपने शतक में। और इस बार खेलने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, किस्मत वाले रहेगी शॉर्ट थर्ड मैन थोड़ा सा दूर, पीयूष भाई पॉइंट पर। और इस बार विमल डैनी के ऊपर से 6 रन। सुरेश पटेल लॉन्ग ऑन पर। अच्छे स्लॉट में डाली थी ये गेंद, गेंद को पुश किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, वहां पर सुरेश ने गेंद को फील्ड किया 1 रन। और इस बार लॉफ्टेड ड्राइव स्ट्रेट रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। सुनील कालगुड़े अपना दूसरा ओवर लेकर। और इस बार कवर के ऊपर से उठाकर खेला है, अंपायर का इशारा 6 रन का। और इस बार रिवर्स स्वीप गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन।
एक बार फिर प्रयास किया था, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर दिलीप भाई केवड़िया ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। एक बार फिर गेंद को डीप कवर पर खेला, सुरेश पटेल ने गेंद को फील्ड किया, लॉन्ग ऑफ पर डीएम चिराग गोहिल लॉन्ग ऑन पर। भावेश उत्तेकर है मेरे ख्याल से, और ये जा रही है गेंद थर्ड मैन की तरफ चार रन के लिए। बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव स्ट्रोक। बारडोलिया 23 पर सुमित पटेल 9 गेंदों में। काफी तेज गेंद, पिछली गेंद 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी सुनील कालघुड़े ने। 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं, 7 ओवर 85 रन एसआरकेएंस का स्कोर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जाएगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, दिलीप भाई केवड़िया आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जाने दिया विकेट कीपर के लिए, रन के लिए भाग पड़े दोनों बैट्समैन। वाइड का इशारा अंपायर तिलक पटेल का। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर गेंद को खेला था सुमित पटेल ने, डीप बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में 1 रन। इन 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 89 रन। और इस बार हवा में खेला है डीप मिडॉन के ऊपर से 6 रन।
दिलीप भाई केवड़िया की कामयाब ओवर की समाप्ति, एक ओवर 10 रन 1 विकेट। ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर 8 ओवर की समाप्ति पर एसआरकेएंस 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पंकिल पटेल को खाता खोलना है, गौरव खेले 25 पर। स्कोर बनता हुआ 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पंकित के साथ खड़े हैं गौरव। दर्शन आए हैं गेंदबाजी पर और गौरव करेंगे बल्लेबाजी। साथ में है पंकिल एसआरके के कैप्टन। सरप्राइज ओवर रहा दिलीप भाई का, काफी बड़ा विकेट मिला। फुल लेंथ यॉर्कर गेंद से सुमित को वापस भेजा। डीएम की गेंद, सामना करेंगे गौरव। फिर से कट करने का प्रयास हो, उसमें कोई गलती नहीं की। यहाँ पर पीयूष भाई ने गेंद को एकदम चपक करके लपक लिया गेंद को। दर्शन को मिलती हुई तीसरी सफलता अपने लिए और 5वीं विकेट का पतन यहाँ पर। आने वाले बैट्समैन प्रवीण, पहली गेंद पर गौरव को वापिस भेजा है। प्रवीण आए हैं, पहली गेंद यहां पर दर्शन की। फुल टॉस गेंद और यहां पर बाजू वाले ग्राउंड के बाहर सिक्सर लगा दिया। 6 रन का लॉन्ग लॉन्ग है यहां पर। बॉल ऑफ जो, नो ऑफ जो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर
नौ और दस ओवर के बीच अगर गेंद खो जाती है तो नई गेंद ली जाएगी। अगली गेंद यहाँ पर फिर से तैयार, दर्शन की गेंद। पहले ही गेंद में मैंने जैसे बोला कि पहले गेंद हर बार फुल टॉस आई है नए बैट्समैन के लिए। प्रवीण तैयार सामना करेंगे दर्शन का। स्कोर तीन आंकड़े में पहुंच चुका है। काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर, यॉर्कर फुल लेंथ गेंद थी, यहाँ पर एक रन से स्कोर आगे बढ़ाएंगे। 102 102 बनेगा अब तक का स्कोर। पंकिल तैयार अभी खाता नहीं खोले है, आखिरी गेंद खेले थे पिछली ओवर की, फिर से अभी आए हैं। काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर, गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में गई। पंकिल ने कोई खोटा साहस नहीं किया, उसको पता है कि तेज गेंद को और धीमी गेंद को कैसे खेलना है। यहाँ पर दर्शन की गेंदबाजी का बखान जरूर करेंगे, अपनी टीम के लिए तीन विकेट फाड़े हैं, तीसरा ओवर लेके आया है। तीन ओवर में एक एक विकेट लेकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश जरूर की है यहाँ पर दर्शन ने। और यहाँ पर फिर से रिवर्सिप खेलने के बाद गेंद को भेजा गया अब इस दरवाजे से बाहर जाना, लेकिन यहाँ पर फील्डर जो बाहर से खड़े थे एम्पायर का इशारा अंकुर के द्वारा चार रन का लॉन्ग लौंगा। इस चौके के साथ हम स्कोर को जरूर आगे बढ़ाएंगे। 106 रन तक पहुंच चुकी है यहाँ पर एसआरके की टीम। उसने बताया कि हम 160-70 करना चाहते हैं, और निमेश ने बताया था टीम इनिंग से कि हम 130 तक हम जरूर रोकेंगे। देखते हैं इस बार किसकी जीत होती है प्रिडिक्शन के अंदर। अगली गेंद आज बार लेग साइड वाली गेंद को फ्लिक करने के बाद गेंद को भेजा, वहां पर मेरे ख्याल से उमेश खड़े हैं, सुरेश। काफी बढ़िया गेंद रही थी इस बार। ओवर समाप्ति का आदेश, 9 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 107 बने अब तक का स्कोर। अभी भी 5 यानी कि 10 ओवर, उसके बाद 5 यानी कि 6 ओवर का खेल बाकी रहेगा। इस ओवर के बाद गेंदबाजी पर मेरे ख्याल से आएंगे डीपी यानी कि दिलीप भाई। पिछली ओवर में 10 रन जरूर दिए थे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट जरूर पड़ा था अपनी टीम के लिए। फील्डिंग के गठन में छोटा मोटा फेरफार किया यहाँ पर, पीयूष भाई को मिड विकेट की दिशा में रखा है। यहाँ पर कट्टी अट गई निचला भाग, वहां पर फील्डर खड़े हैं, थ्रो जरूर करना चाहते थे लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया, कुछ ओवर थ्रो के रूप में बचाने के रूप में थ्रो नहीं किया क्योंकि बैट्समैन सेफ पहुंच चुके थे। अभी फिर से प्रवीण तैयार सामना करेंगे दिलीप भाई का। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में, और बल्लेबाजी प्रवीण की भी काफी अच्छी है। काफी बढ़िया गेंद इस बार स्टेट द कीपर गई, फिर से कोई रन नहीं। फुल टॉस टाइप की गेंद को उठा के दिया, लेकिन इस बार गेंद फिर से फील्डर के हाथों में है, इसलिए केवल एक रन। एक सौ नौ रन। फिर से तैयार पंकिल। और इस बार गलत गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा, और हम भेजेंगे उसको 6 रन की ओर। सत्ता मिलेगा, इस सत्ते के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 116 रन। और इस फ्री हिट भी रहेगा यानी कि मफत मारने को। फिर से उठा के दिया इस बार गेंद को फॉक्स के थामले के पीछे, नालियर की झाड़ी के अंदर 6 रन का लॉन्ग लौंगा यहां पर। भाई बाजू माथी बोल, अब जो तुम्हारा हो सकता मैं भी आप ही देशु।
दर्शन ने संभाला फील्डिंग में और काफी बड़ा कैच होने के बावजूद यहां पर वापिस जाना होगा पंकिल को। ये छठी विकेट का पतन यहां पर। आने वाले बैट्समैन धर्मेश मकानी गेंदबाजी पर आया है कैप्टन निमेश। कैप्टन को आउट करने के बाद गेंदबाजी करने के लिए आया है कैप्टन निमेश। धर्मेश मकानी का और निमेश का एकदम आमना सामना, डायरेक्ट फाइटिंग होगा इस गेंद पर, इस ओवर पर। पहली गेंद पर गेंद हवा में जरूर थी लेकिन थोड़े दूर रही, इसलिए फील्डर ने गेंद को रोककर रन बचाए। कैच होने के चांसेस बहुत दूर थे इसलिए कोई नहीं, एक रन के साथ स्कोर हम आगे बढ़ेंगे। 124 124 बनता हुआ स्कोर। और इस बार फुल लेंथ गेंद को भेज दिया सीधे अपने समर्थकों के पास 6 रन के लिए। 6 रन का लॉन्ग लॉन्ग यहां पर एम्पायर अंकुर पटेल के द्वारा इशारा किया गया है। बाकी का मैं देख लूंगा। अगले गेंद यहां पर फिर से निमेश सामना करेंगे प्रवीण। काफी बढ़िया गेंद यहां पर, टप्पा खाने के बाद दिशा जरूर बदली और प्रवीण ने कोई खोटा साहस नहीं किया, गेंद को छोड़ दिया, लीव कर दिया। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगली गेंद को हम देख लेंगे। इसी के साथ स्कोर वहीं का वहीं, हम गिनेंगे 130 रन। 11वां ओवर जारी है। फुल टॉस गेंद और उसका भुगतान हम देखेंगे। जी हाँ, थोड़े से यहां पर अगर एक्टिव रहते तो कैच के भी चांसेस थे वरना, लेकिन थोड़ा दूर भी था और बल्लेबाज पर सही तरह से आती तो शायद पवेलियन के कूद के आगे भी जा सकती। दोनों चांसेस थे यहां पर। फिर से निमेश की गेंदबाजी और धर्मेश की बल्लेबाजी हमको देखने के मिल रही है। अगली गेंद यहां पर इसी बीच काफी बढ़िया गेंद यहां पर, थोड़ी धीमी रही टप्पा खाने के बाद। ओवर समाप्ति का आदेश यहां पर एम्पायर की ओर से और उसी रीजन से हम बताएंगे कि 11 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अब तक का स्कोर बनता हुआ 131 रन। छह विकेट के नुकसान पर अभी देखना है गेंदबाजी पर आते हैं कौन। दिलीप आएंगे फिर से। दिलीप भाई की गेंदबाजी, सामना करेंगे प्रवीण।
काफी बढ़िया गेंद, अगर स्टंप के एकदम बाजू में से गुजरी, थोड़ी अंदर होती तो चकले उड़ जाते, डांडिये गिर जाते। काफी बढ़िया गेंद मानी जाएगी यहाँ पर दिलीप भाई के द्वारा। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं, दो विकेट अपनी टीम के लिए पाड़े हैं, 12वां ओवर जारी है। काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर बल्ले के अंदर विभाग छूकर गेंद गई है, थ्रो जरूर किया लेकिन सही तरह से थ्रो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर काफी तेज दौड़ की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाए धर्मेश्वर, उसी रीजन से शायद ओवर थ्रो का एक चांस बनता था लेकिन नहीं लिया, कोई खोटा साहस नहीं किया। दिलीप भाई की अगली गेंद सामना करेंगे धर्मेश मकानी। धीमी गति की गेंद को सीधा भेज दिया है पवार परिवार पवेलियन के पास, फॉक्स के थामले के नीचे, 6 रन का लॉन्ग लोगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर से वही किया है जो गेंद को भेज दिया फॉक्स के थामले के पीछे, नाड़ी वाली जड़ के पीछे, ए भाई तमारो बोला उसे तो मैं आप ही देसु, तुम्हें हमारो आप ही दो जल्दी। तो हाँ जी बनाए अब तक का स्कोर, धर्मेश तैयार। और इस बार गेंद हवा में है, कोई गलती नहीं की। यहाँ पर दिलीप भाई की गेंदबाजी पर टोटल मिलाकर 7वां विकेट गिरता हुआ, 12वां ओवर जारी है, 144 बने अब तक का स्कोर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में फिर से जुड़ेंगे रमेश भाई पटेल, अभी हमारे नए बैट्समैन आ चुके हैं, अभी भावेश पटेल कई सालों से कीपिंग करते आए हैं, आज बैटिंग के लिए आए हैं। धन्यवाद जगदीश भाई, स्कोर पहुंचा 144। भावेश पटेल और प्रवीण की जोड़ी मैदान पर। आज दर्शन मोनप्रा ने 3 विकेट लिए, बहुत ही बढ़िया कैच भी पकड़ा डीएम ने। दिलीप भाई की एक गेंद ब्लॉक होल में डाली थी, अब तक 3 विकेट ले चुके हैं दिलीप भाई केवड़िया। कामयाब ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 39 रन और 3 विकेट, यह है बॉलिंग एनालिसिस दिलीप भाई केवड़िया का। और इस बार घूम कर मारा है प्रवीण भोसले के बल्ले से निकला हुआ एक और छक्का, इसी के साथ एसआर किंग्स के 150 रन पूरे।
और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया, वहां पर निमेश पटेल ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, कूड़ा कचरा जहां तहां न फेंकते हुए कूड़ेदान का सही इस्तेमाल करें और सहयोग दे कि मैदान स्वच्छ रहे। ऑन साइड में खेला लेकिन वहां पर दीवार हमारे निमेश पटेल नाम की, 1 रन। दिलीप भाई और दर्शन मोणापुरा ने दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए थे और सुरेश पटेल को 1। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से कोई मौका नहीं डीएम के लिए, 6 रन। और इस बार कट करना चाहते थे, ऊंची उठी थी ये गेंद, ओवर की समाप्ति। सुरेश पटेल 3 ओवर 46 रन और 1 विकेट। एसआरकेएंस 164/7 आफ्टर 13 ओवर्स 12 बॉल्स टू गो। हालांकि पीयूष भाई केवड़िया को अभी भी उतारा नहीं गया है बॉलिंग के लिए, जाने माने ऑलराउंडर। निमेश पटेल की अगली गेंद, काफी तेज गेंद, और इस बार हवा में है डीएम और दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन आपसी तालमेल का अभाव वहां पर, सेफ लैंडिंग। आवेश खेल रहे 3 पर, अगली गेंद निमेश पटेल की, डीप कवर पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। और ये लगा सिक्सर। और इस बार फुल लेंथ डिलीवरी और अपील आउट यहां पर प्रवीण भोसले, 6 छक्के लगाए थे 41 रनों में। निमेश को मिलने वाली पहली सफलता आखिरी गेंद पर।
ख्याल से आए हैं सामने वाले छोर से। सामना करेंगे भावेश पटेल चार पर। इस बार बैकफुट पर जाकर के इनको खेल दिया था स्क्वेलिंग बाउंड्री की तरफ। छह रन का इशारा अंपायर का। और इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेल दिया चार रन के लिए या छह रन का अंपायर का इशारा चार का। भावेश पटेल धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए। और ये लगा सिक्सर। बेस पर भाई अगली गेंद। और इस बार छह रन के लिए भावेश पटेल 26 पर। और इस बार मिड विकेट के ऊपर से छह रन 200 रन पूरे एसआर गेम्स के 201 रन जीतने के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया है। माइक्रोफोन पर आएंगे मेरे साथी जगदीश भाई काछड़िया।
प्रीमियर लीग के बीच साथ खेलेंगे अभी एसआरकेएन के बीच खेला जाने वाला ये फ्रेंडली मैच, और उसमें पहले बैटिंग करते हुए एसआरकेएन की टीम ने बनाए हैं 201 रन, और जीतने के लिए बनाने होंगे यूनिक की टीम को 202 यानी कि 202। पहले टॉस जीतकर यूनिक की टीम ने बोला था कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, शुरुआत काफी अच्छी की थी, लेकिन बाद में भावेश ने और प्रवीण ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में रख दिया है। 202 202 रन का टारगेट दिया है। वैसे रमेश भाई ने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि सुबह से जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पर पिच ड्राई हुई है, ग्रास भी ड्राई हुई है, उसी रीजन से स्कोर काफी बड़े होने के चांसेस है। तो हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि 202 रन बना है 14 ओवर के मैच की जगह, ये 15 ओवर का मैच था ये, और सभी प्लेयर्स और बैट्समैन के बीच यहाँ पर डिस्कशन होता हुआ कि कौन सी ओवर डालने के लिए कौन आएंगे, कौन सी डायरेक्शन से डालेंगे। पीयूष भाई का साथ देने के लिए आए है, सुनील सुनील के साथ पीयूष भाई दोनों आए हैं। मैंने पहले ही जैसे बताया था वैसे अगर पहले तीन ओवर में गेंद खो जाती है तो नई गेंद ली जाएगी, और ड्रिंक्स ब्रेक जो 8 ओवर के बाद रहेगा, इस ड्रिंक के ओवर के बाद 2 ओवर यानी कि 9 और 10 ओवर में अगर गेंद खो जाती है तो फिर से नई गेंद ली जाएगी, और 8 ओवर के बाद पहले से गेंद चेंज करनी है तो वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पर गेंदबाजी पर आएंगे अंकुर शक्ति, और बल्लेबाज पर है पीयूष भाई, और उसका साथ देने के लिए आया है सुनील भाई। विकेट कीपर सुमित, और यहां पर थर्ड मैन को थोड़ा पीछे लेने की कोशिश जरूर की है भावेश भाई, यहां पर मैंने उसको ज्वेल गोल्ड में कीपिंग करते हुए देखा है। काफी टक्कर का मुकाबला हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहली गेंद अंकुर की शक्ति दादा, और इस गेंद को पहले ही घुमा दिया, सीधा यहाँ पर दीवार के ऊपर घुसार दिया है, 6 रन का लॉन्ग लौंगा। काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी तेज निकली, विकेट कीपर सुमित ने गेंद को रोका जरूर, हालांकि पीयूष भाई चाहते थे कि खोटा रन लेकर किसी को आगे पीछे नहीं करवाना है, डॉट बॉल बिंदी गेंद करवाई जाएगी इस बार। अगली गेंद फिर से धीमी गति की गेंद, और इस बार एम्पायर को पसंद नहीं आई, दोनों भुजाएं फैला दी, वाइड का इशारा। शक्ति की अगली गेंद, और इस बार गेंद को उठा के दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, 6 रन का। धीमी गति की गेंद को फिर से फुल टॉस बनाकर खेला पीयूष भाई ने, नहीं रोक पाएंगे, गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर, 4 रन का लॉन्ग लौंगा, यहां पर चौका आया।
और अब कट करने के प्रयास में रवि खड़ा है और एक रन से संतोष मनवाएंगे दोनों बैट्समैन को। पहला ओवर जारी है और अब तक का स्कोर बनता हुआ 18 रन। पीयूष भाई और उसका सपोर्ट करने के लिए आए हैं सुनील केलगुड़े, केसरी कलर का ग्लोव्स पहन के आए हैं क्योंकि एक हाथ में ठंडी लगती है एक हाथ में ठंडी नहीं लगती है, इसलिए एक ही ग्लोव्स पहना है। पहली गेंद और उसको भेज दिया सीधा कैमरामैन के ऊपर से 6 रन का लॉन्ग लॉन्ग वाला हिट। एम्पायर का इशारा नोबल का और ये फ्री हिट रहेगा। 7 रन आए इस बल्ले सर। एक रन और एक नोबल यानी कि 26 बनेगा अब तक का स्कोर। सीधे बल्ले से एक लग गई थी तो होशियारी माने के लिए उल्टा खेला और यहाँ पर डांडिया टीचने के लिए डायरेक्ट रोक की कोशिश, लेकिन डांडिया अगर सही तरह से लगता तो जरूर कोशिश रनआउट की गई थी यहाँ पर धर्मेश के द्वारा। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर भावेश के द्वारा, फिर से पीयूष तैयार सामना करेंगे भावेश का। रमेश मकानी के द्वारा काफी बढ़िया प्रयास किया था यहाँ पर। और इस बार फुल हॉली पे लिया है गेंद को, देखना होगा क्या आएगा। 4 रन का लॉन्ग लॉन्ग आए यहां पर। धीमी गति की गेंद और यहाँ पर कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, पीयूष भाई को वापिस जाना होगा। इस बार कट्टी अड़ गए और स्लिप में खड़े रवि सावलिया, बहुत लच्छा मारते लेकिन पता नहीं आज क्यों कैच कर लिया पहली विकेट का पतन यहाँ पर।
पहली गेंद पर यहाँ पर भावेश ने, अगर भावेश को भावला कर देते लेकिन बच गए। दोनों भावेश, लेकिन अपनी सोसाइटी में उसको दोनों को भावला बोलते हैं। धीमी गति की गेंद को फिर से वही पिछली गेंद की जेरोक्स की थी, मारना चाहते थे सुनील, चाहते थे कि कुछ भी करके इस गेंद को रन मिले, तब्दील किया जाए, लेकिन दो डॉट बॉल, बींदी गेंद, टपका वाली बॉल, चांदला वाली बॉल, कोई रन नहीं। अब तक का स्कोर बना है 31 रन। दूसरा ओवर जारी है, एक विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पीयूष भाई ने अगले गेंद यहाँ पर, इसी बीच भावेश की और इस बार कट करने का प्रयास, जोरदार अपील की है यहाँ पर, लेकिन एम्पायर ने खोपड़ी हिलाकर ना पाड़ दिया और बैट्समैन और विकेट कीपर दोनों भूडे लगते हुए। इस बार दो ओवर का खेल खत्म। अभी गेंदबाजी पर आएंगे धर्मेश मकानी, तेज गेंदबाजी करते हैं। धर्मेश मकानी आए हैं गेंदबाजी पर, सामना करेंगे सुनील, केसरी कलर का मोजा लेकिन एक ही हाथ में, क्योंकि एक ही हाथ में ठंड लगती है। फील्डिंग के छोटी मोटी गोठुन में चेंज करते हुए भावेश को थोड़ा पीछे लिया है, रवि को छुपा के रखा है क्योंकि बहुत लच्छा मारते हैं, पता नहीं आज क्यों कैच कर लिया उसने। बीच में आके खेलने का प्रयास, यहाँ पर गेंद वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा, भावेश और सुनील यहाँ पर काफी बढ़िया प्रहार यहाँ पर। अब बैटिंग करे बैट्समैन तो नाम सोचे, फुल टॉस टाइप गेंद को लेग साइड पर खेलने के बाद दोनों बैट्समैन के लिए, माफ कीजिएगा बैट्समैन ललित हैं, बैट्समैन ललित अच्छे ना ललित, ओके अगली गेंद धर्मेश की, सामना करेंगे भावेश। काफी बढ़िया गेंद डॉट बॉल यहां पर, बींदी गेंद स्टड द कीपर गई, फिर से कोई रन नहीं। और इस बार गेंद को हवा में खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, प्लेयर परिवार जो है वहां पर गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, चार रन का लॉन्ग लॉन्ग आया। फुल्लन गेंद फिर से यहाँ पर खेला है, वहां पर खड़े शक्ति दादा और केवल एक रन इस बार, फिर से एक बार तीसरा ओवर जारी, 38 बना है स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। भावेश की बल्ले के बाजू बाद धर्मेश की गेंदबाजी, सामना करेंगे ललित। ललचावनी गेंद को फ्लिक किया, फील्ड वहां पर प्रवीण खड़ा है, काफी बढ़िया फील्डिंग यहां पर देखने को मिली, निश्चित रूप से दो रन अपनी टीम के लिए बचाए, थ्रो जरूर किया लेकिन तब तक अपना छोर दो बार चेंज करने में कामयाब हो चुके,
दोनों बैट्समैन काफी अच्छी फील्डिंग, वैसे मानी जाएगी प्रहार बहुत बढ़िया किया था बैट्समैन के द्वारा, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर जरूर देखने को मिली। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, अब तक का स्कोर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यूनिक प्रीमियर लीग का यह फ्रेंडली मैच एसआर केन्स के बीच और यूनिक परिवार के बीच खेला जा रहा है। 202 यानी कि 202 रन का टारगेट है, अभी भी जीतने के लिए 162 रन की दरकार। 11 ओवर में गेंदबाजी पर आया है भावेश, सामना करेंगे भावेश। आगे आगे मारने का प्रयास, बल्ले पर नहीं आया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, सीधा स्टंपिंग कर दिया, जैसे गेंद हाथ में आई चकले उड़ा दिए और भावेश को बोला कि अब खाली भावेश ही गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी भावेश नहीं करेंगे। धीमी गति की गेंद को फ्लिक करने के बाद दोनों बैट्समैन ने छोड़ा कि एक रन के लिए भागेंगे और रन कंप्लीट भी किया है। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर यूनिक की ओर से देखने को मिली है, लेकिन उतने अच्छे छक्के चौके मिलने चाहिए तभी ही ये टारगेट अचीव होने के चांसेस है, जो कि जैसे जैसे ओवर खत्म होती जाएगी वैसे वैसे टारगेट अगर नज़दीक नहीं गए तो बाद में बहुत वांधे पड़ सकते हैं। भावेश की गेंदबाजी सामना करेंगे ललित। अगले गेंद बीच में आके खेलने का प्रयास, फिर से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। प्रवीण भोसले ने काफी बड़ी दौड़ लगाई और गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। अगली गेंद यहाँ पर फिर से भावेश की, सामना करेंगे सुनील। बीच में आए और पहली बार इस बार गेंद को उठा के मारने का प्रयास था, बल्ले पर ले नहीं पाए और इसका अफसोस जरूर रहेगा। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, टपका वाली बॉल। धीमी गति की गेंद यहाँ पर फिर से, फुल लेंथ खेला था, फील्डर वहां पर खड़े हैं और रीजन से हम देखेंगे आपको कोई भी रन नहीं मिलेगा। और एक डॉट बॉल, बिंदी गेंद, 42 बना अब तक का स्कोर, चौथा ओवर जारी है, भावेश ये ओवर डालने के लिए आया है। इस बार फिर से फुल हॉल पे गेंद को लिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, दीवार के पास, यहाँ पर फील्डिंग को चीरती हुई गेंद की, चौका आया, चौका, 4 रन का लॉन्ग लॉन्ग आया। बना है 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में फिर से मेरे साथ जुड़ेंगे रमेश भाई पटेल। धन्यवाद जगदीश भाई, टीम यूनिक 46 रन 4 ओवर की समाप्ति पर।
ललित वाडकर खेल रहे हैं 10 पर और कालगुड़े खेल रहे हैं 5 पर। अंकुर पटेल एक बार फिर और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेल दिया 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया चौका, टीम यूनिक के 50 रन पूरे। सुनील कालगुड़े का पंकिल पटेल ने मेरे ख्याल से कैच पकड़ा है। बैट्समैन के रूप में निमेश पटेल, कीमती विकेट मिला था अंकुर पटेल को सुनील कालगुड़े का। 51 स्कोर, स्टंप को कवर किया, जाने दिया वाइड का इशारा अंपायर का। रवि सावलिया थर्ड मैन पर, ऑफ स्टंप की एक बार फिर बाहर, वाइड का इशारा, अंपायर अंकुर पटेल और गेंदबाज भी अंकुर पटेल। इस बार उठा दिया मिड ऑन के ऊपर से 6 रन।
सो फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस 59 for 3 इस बार धीरे से पुश किया था पॉइंट की तरफ, एक रन चुरा लिया निमेश ने। पांच ओवर 60 run और 3 wickets 14.2 रिक्वायर्ड रन रेट 142 रन चाहिए 10 ओवर में, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 14.20। आमोद्रा इंटरनेशनल डेटा देते हुए यहां से बैठे बैठे लेटेस्ट अपडेट देते हुए नरेंद्र आमोद्रा, भावेश पटेल पॉइंट पर अंपायर से गुफ्तगू करते हुए, सोनिक पटेल को लाया गया मेरे ख्याल से, सामना करेंगे निमेश पटेल। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ साइड में खेला एक रन, और ये लगा सिक्सर। पर एक रन, रवि सावलिया बोलते आवे आवे, एक बार फिर खिलाड़ी को व्यस्त रखते हुए निमेश पटेल एक रन। एक रन के लिए भाग पड़े, बहुत ही अच्छा चीकी सिंगल यहां पर, लेग बाय का इशारा अंकुर पटेल का। इस बार स्वीप करने का प्रयास, लाइन में नहीं आए थे निमेश पटेल, छह ओवर की समाप्ति पर 70 run 70। अब 14.5 run चाहिए 132 run 9 ओवर में, ललित वाडकर खेल रहे हैं 22 पर, निमेश पटेल खेल रहे हैं 9 पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, धर्मेश मकानी दूसरा ओवर लेकर एयरपोर्ट छोर से, इस बार ऑन साइड में खेला था,
शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ टॉस गेंद खेल दिया ऑफ साइड में एक रन। और यहां पर गेंद हवा में सेफ लैंडिंग, किस्मत वाले रहे ललित वाडकर। सातवां ओवर चल रहा है, ड्रिंक्स की ट्रॉली इस ओवर के दूसरी ओवर के बाद आठ ओवर की समाप्ति पर जाएगी मैदान पर। भावेश पटेल कमर पर हाथ रखकर सोचते हुए कि किस प्रकार की रणनीति की जाए यहां पर। गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद धर्मेश मकानी की। इस बार हवा में है गेंद और ये कीमती विकेट का पतन, निमेश पटेल आउट। नए बैट्समैन के रूप में दर्शन मोहापात्रा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। बैकफुट पर जाकर कट किया है, गेंद जा रहे कवर पॉइंट और पॉइंट के बीच में से, केवल एक रन यहां पर मिला। सुंदर फील्डिंग वहां पर। कामयाब ओवर की समाप्ति, धर्मेश मकानी दो ओवर 16 रन और एक विकेट आफ्टर सेवन ओवर 77। 125 रन चाहिए आठ ओवर में, रिक्वायर्ड रन रेट 15.5 का हो चुका है।
इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जाएगी। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। सोनिक पटेल अपना दूसरा ओवर लेकर और यहां पर फुल लेंथ डिलीवरी नीचे बीच इस गेंद सोनिक पटेल की। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला था लॉन्ग ऑफ पर डीएम ने एक रन। फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग पर केवल एक रन प्रोटेक्शन वहां पर प्रवीण भोसले के रूप में। अच्छी गेंद ज्यादातर स्लॉट में डालते हैं गेंद अपनी सोनिक पटेल। इस बार हल्के से पुश किया था ऑन साइड में एक रन। रिक्वायर्ड रन रेट 17 की हो चुकी है यहां पर। बहुत ही तेज गेंद यहां पर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी सोनिक पटेल ने। ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर 8 ओवर की समाप्ति पर टीम यूनिक 80 रन 17.43 रिक्वायर्ड रन रेट 122 रन चाहिए 7 ओवर में। माइक्रोफोन पर आएंगे मेरे साथी जगदीश भाई काछड़िया। आठ ओवर का खेल खत्म। 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर दर्शन और ललित वड़कर लड़कर खेलते हुए अभी भी जीतने के लिए बहुत सारे रन की दरकार है। 7 ओवर का खेल शेष 122 रन चाहिए और किसी एक बैट्समैन को काफी जोरदार प्रहार करके खेलना पड़ेगा वरना ये टीम को बहुत भारी परेशानी झेल पड़ सकती है। सादर आमंत्रित है ढोकला इदड़ा और भेल। थैंक यू टीम यूनिक। सभी दर्शकों और समर्थकों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी जो अरेंजमेंट है यही टूर्नामेंट को काफी
सोने जैसी चमका दी है। आठ ओवर 80 रन। गेंदबाजी पर आया शक्ति दादा अंकुर और बल्लेबाजी पर है दर्शन और ललित। ऐसी बना है अब तक का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अभी भी 122 रन की दरकार 42 दड़े में। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन अगर बैट्समैन की निगाह है चोट गई तो कुछ नक्की नहीं है। अगली गेंद यहां पर अंकुर तैयार। पहली गेंद पर उठा के दिया इस बार गेंद को सीधा वहां पर। बोला था कि नाश्ता करने के लिए जाना है लेकिन गेंद को शायद भूख लगी थी। पहली गेंद तो इसमें अगली गेंद और इस बार रिवर्स स्वीप में खेला गेंद को भेज दिया हम अपने ही समर्थकों के पास। 4 रन का लॉन्ग लॉन्ग आया यहां पर। फुल टॉस गेंद ललचावनी गेंद इस बार रोकना शायद तक अघरा हो सकता है लेकिन यहाँ पर खिलर खड़े हैं प्रवीण भोसले। फुटबॉल करके गेंद को रोक लिया है लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। बानवे बना अब तक का स्कोर। काफी बाहर रहे अंपायर को पसंद नहीं है वाइड का इशारा। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 रन। और इस बार फिर से गेंद को मारा है इस बार बेल नहीं सीधा इडली के लिए। 6 रन का लॉन्ग लॉन्ग आया यहां। रोकने के लिए गेंद को भेजते हैं कि नहीं। अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से लगी थोड़ा होशियारी माने के लिए आड़ा हवड़ा खेले लेकिन बल्ले पर नहीं आई। इस बार सूझबूझ काम आई अंकुर की। डॉट बॉल बिंद गेंद अब तक का स्कोर 99। यहाँ पर फुल लेंथ गेंद यहाँ पर विकेट कीपर से चूक लेकिन वहां पर रवि खड़े हैं। आज तो रवि गेंद रोक भी रहे हैं। 12 साल में उसने 12 बार गेंद नहीं पकड़ी है इसलिए उसको विकेट कीपर के पीछे रखते हैं। 99 बना है अब तक का स्कोर। 9 ओवर का खेल खत्म हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर आया है भावेश।
और इस बार गेंद को फुल होली पे लिया है और गेंद के सीधा फॉक्स के थामले के नीचे, 6 रन का लॉन्ग। वाइड होगा लेकिन अपनी जगह चेंज करने की वजह से एम्पायर ने अपना माइंड चेंज नहीं किया। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, स्कोर बनता हुआ 105 रन, 3 आंकड़े में 31 रन बनाकर रमते हुए यहां पर ललित। इस बार फिर से बीच में आया, गेंद का हवा में खेला है, धर्मेश उसके नीचे है लेकिन नीचे ही रहेंगे, गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर। एक 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 10वां ओवर जारी। और यहां पर विकेट कीपर से चूक और उसका भुगतान बाय के रूप में, चौका आया चौका, 115 रन। बीच में आके खेलने के प्रयास में गेंद गई बाहर, इस बार एम्पायर को पसंद नहीं आई है वाइड का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हो 116 रन, 4 विकेट का पतन हो चुका है, 10वां ओवर जारी है। काफी बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद डाली थी यहां पर, धूल की डमरी उड़ा दी लेकिन बैट्समैन को रन नहीं लेने दिया। काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे है ललित और उसका साथ देने के लिए दर्शन खड़े है। भावेश की गेंदबाजी, गेंद हवा में है, इस बार गेंद को सीधा कैमरामैन के बाजू में वाले मांडवे हलवे आहार में ढोकला के लिए भेज दिया है, 6 रन का लॉन्ग यहां पर। फोर्टी रन बनाकर खेलते हुए ललित और उसके साथ दे रहे दर्शन 21 रन बनाकर। गेंदबाजी पर आएंगे धर्मेश, धर्मेश आएंगे लेकिन ये दूसरे धर्मेश है, वो मकानी नहीं है। दर्शन डाबे हाथ के खिलाड़ी हैं और ललित भी डाबे हाथ के खिलाड़ी, दोनों बैट्समैन ने ठान लिया है कि गेंद आने के बाद इसको सीधा लींबू बना देंगे। यहां पर टैंग का शरबत है, हम लींबू का शरबत बनाएंगे इसलिए लींबू बनाते हैं दोनों बैट्समैन। सभी दर्शकों को निवेदन है आपको ढोकला, इदरा और वेल खानी है तो यहां पर हलवा आहार जो काउंटर है वहां पर उसके आप मजा ले सकते हैं। धमाकी गेंद सामना करेंगे दर्शन, पहली गेंद फुल लेंथ गेंद को भेज दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर बाजू वाले ग्राउंड में। काफी बढ़िया गेंद यहां पर, अपील जरूर की थी लेकिन एम्पायर ने डांस करते करते नाप बांट दिया। यहां पर गौरव वॉइस मैसेज भेजते हुए और इस बार बाहर रही गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129 रन।
फुल टॉस गेंद, लेकिन वहां पर धर्मेश कड़ है, केवल एक रन। काफी बढ़िया गेंद, और अभी फिर से ललित तैयार अपनी टीम के लिए 43 रन जोड़ चुके हैं। स्कोर बना है 130 रन, 11वीं ओवर चालू है और इस बार फुल ऑल गेंद को भेज दिया सीधा नालियर के झाड़वे के अंदर। 6 रन का लॉन्ग लौंगा यहां पर, 136 रन। फिर से वही टाइप की गेंद को उठा के रखा है 6 रन के लिए, 142 बनता हुआ अब तक का स्कोर। और इसी काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर, डॉट बॉल नहीं है, अंपायर का इशारा वाइड का। पहले से पोजीशन बना ली और जोर से मारने के प्रयास में, ओवर सौंपने का आदेश यहां पर। 11 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, अब तक का स्कोर 143, 4 विकेट के नुकसान पर ललित ने बनाए हैं 55 रन और दर्शन ने बनाए हैं 28 रन। अभी भी मैच में जान है, अभी भी जीतने के लिए 4 ओवर का खेल शेष है और बनाने हैं 55 रन, माफ कीजिएगा 55 नहीं 59 रन, 59। थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद गंजाबारे आए हैं मकानी, अगले गेंद मकानी की सामना करेंगे दर्शन। काफी बढ़िया गेंद इस बार, डॉट बॉल, बिनी गेंद, टपका वाली बॉल, कोई रन नहीं। फिर से बैट्समैन तैयार दर्शन, सामना करेंगे धर्मेश का, और यहां पर फुल लेंथ गेंद को यहां पर टप्पा खाने के बाद उछली और लगता है कि रिवर्सिप खेलेंगे, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली और एक सफल गेंद मानी जाएगी यहां पर धर्मेश की ओर से। जिस तरीके दर्शन और ललित बल्लेबाजी कर रहे हैं, टेंशन जरूर दिया है सामने वाली टीम को, लेकिन धर्मेश ने 2 डॉट बॉल डालकर थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीज किया है। अभी देखते हैं फिर से दर्शन क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। काफी बढ़िया गेंद उठा के मारा है, गौरव आएंगे फील्डिंग भरने के लिए, काफी बढ़िया कोशिश, लेकिन थोड़े से टूके पड़े, चौका आया, चौका। इस बार गेंद को फिर से फुल वाले पे लिया, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन का लॉन्ग लॉन्ग। फिर से वही दिशा में मारने के प्रयास में, गेंद हवा में है, गौरव उसके नीचे, और कोई गही गलती की यहाँ पर। दर्शन काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, शायद
एक रन लेते तो कुछ फायदा जरूर होता था, लेकिन गौरव ने कोई गलती नहीं की। इस बार दर्शन को वापस होना होगा। क्या ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है यूनिक की टीम के लिए, वो आगे वाला वक्त और रमेश भाई दोनों बताएंगे। अभी मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में फिर से जुड़ेंगे रमेश भाई। पूरा दारो मदार इस जोड़ी पर। मकानी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर पवेलियन छोर से अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, बाहर की तरफ निकाली थी मकानी ने। कामयाब ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 26 रन 2 विकेट, 49 रन चाहिए 18 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 16.3 प्रति ओवर। काफी रोमांचक मुकाबला बना दिया था दर्शन मोणापुरा और ललित वाडकर ने, लेकिन गौरव बारडोलिया ने बहुत ही अच्छा कैच लपका था बाउंड्री लाइन पर दर्शन मोणापुरा का। सेलिया की एक गेंद हवा में खेला है, फील्डर मौजूद और ये आउट। ललित वाडकर के रूप में करारा झटका लगा, 55 रन बनाकर वापस पवेलियन में। ऑफ स्टंप के बाहर नीची रही है गेंद, कट करने का प्रयास जरूर किया था मकानी एक नंबर, हालांकि पंकिल पटेल बोलते हुए। खेलना चाहते थे कवर क्षेत्र में, गेंद गई पॉइंट पर, एक रन।
अच्छी गेंद, काफी तेज रही ऑफ स्टंप के बाहर। सुरेश पटेल देखते रह गए, काफी तेज गेंद। इस बार ऑन साइड में खेला था। एक रन के लिए भाग पड़े सुरेश पटेल। स्कोर अभी भी 155 रन। रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर 22 के पास जाती हुई। और इस बार बादशाह करने के लिए लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, एक रन। स्कोर 156। अभी 12 गेंदों में 46 रन, 23 रन। एक ओवर में 4 छक्के चाहिए मैच जीतने के लिए। सोनिक पटेल की ये गेंद, चौदहवां ओवर जारी है। माफ कीजिएगा, फील्डिंग के छोटा मोटा फेरफार जरूर करते हुए। काफी बढ़िया प्रहार किया, लेकिन वहां पर पंकिल खड़े हैं, गेंद को आराम से रोका है और इसे एक रन से कुछ होगा नहीं, वो सोच के थ्रो नहीं किया। 157 बनता हुआ स्कोर। फिर से सोनिक की गेंद, सामना करेंगे बैट्समैन। काफी बाहर रहे और एम्पायर को पसंद नहीं आई वाइड का इशारा यहां पर। काफी तेज गेंद थी, 158 रन। 14वीं ओवर जारी है। बीच में आगे खेलने का इस बार प्रयास, फिर से एक बार वाइड। एम्पायर डिसीजन इज फाइनल। कट्टी हट गई है, आवर अभी खड़े है। बस आवर थ्रो करता रहिए, ले चार पांच रन दौड़ी जाए। 160 बना अब तक का स्कोर। 14वां ओवर जारी है। इस बार फुल लाइन गेंद को डाला है, कोई गलती नहीं की इस बार धर्मेश ने, और एक विकेट का पतन। यहां पर फिर से जाना होगा एक बैट्समैन को आउट होके, आखिरी विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। रन अभी भी जीतने के लिए बनाने हैं 42। हर एक गेंद में सिक्सर डालवाना है। अभी आएंगे दिलीप भाई, काफी अच्छी गेंदबाजी के बाद बैटिंग पर आया है दिलीप भाई। तालियों के साथ सभी समर्थकों ने स्वागत किया है ढाबे हाथ के खिलाड़ी। आशा है कि पहले गेंद पर छक्का मारकर अपने टीम को सम्मान दे। अगली गेंद यहां पर फिर से सोनिक की,
और इस बार फ्लिक करने के बाद एक रन के लिए भागे। और जिस तरीके से देखा जाए तो अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं होगी तो ये मैच एसआर केन्स की झोली में चला गया है, लेकिन दिलीप भाई ने सोचा था कि चलो मैं ही बैटिंग करूंगा। अभी गेंदबाजी पर आएंगे फिर से धर्मेश। इकतालीस रन बनाने हैं जीतने के लिए आखिरी छह गेंदों में। काफी बाहर रहे, अंपायर का इशारा वाइड का इस बार, और इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ाएंगे हम 162 रन। फिर से बीच में आगे खेलने का प्रयास, इस बार स्टंप के ऊपर से गई इसलिए अंपायर के द्वारा कोई इशारा नहीं, और एक डॉट बॉल बींदी गेंद। काफी बढ़िया गेंद, और एक बार फिर से डॉट बॉल बींदी गेंद। काफी बढ़िया गेंद, फिर से एक बार एक डॉट बॉल गेंद। अने एक नम्र निवेदन, आना पछी जे अधूरी मैच थी ए बधा प्लेयर्स तैयार रहेजो, आ मैच पतेले अधूरी मैच तरत ज अपने स्टार्ट करवानी छे प्रेजेंटेशन सेरेमनी पछी। आज बार फिर से जोर से मारने का प्रयास, इस बार रन नहीं लिया दिलीप भाई ने। अधूरी मैच वाला प्लेयर्स तैयार थे जो उठा के मारने का प्रयास, इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन इस बार नहीं। काफी अच्छी गेंद इस बार, बैट्समैन तैयार सामना करेंगे धर्मेश का। और इसी के साथ ये मैच एसआर केन्स ने जीत लिया है। थर्टी नाइन रनों से यह मैच जीता है। दरेक प्लेयर ने विनंती है कि यहाँ कमेंट्री बॉक्स की बाजू में जो प्रेजेंटेशन वालू जो है त्या आवी जशो। प्लेयर्स लोगों ने निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स की बाजू में जो यूनिक वालू आपू प्रेजेंटेशन बॉक्स है त्या आवी जशो।